नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, बीएड सेकंड ईयर में एक फाइल आपकी बनती है एक्शन रिसर्च के नाम से। ठीक है, बीएड सेकंड ईयर में जब आपकी जो 4 महीने की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, 4 महीने की ट्रेनिंग पे आपको एक स्कूल दिया जाता है, उसमें आपको 4 महीने तक पढ़ाना होता है। ठीक है, और वहाँ रहकर बहुत सारा फाइल वर्क आपको करना होता है टीचिंग के साथ साथ। ठीक है, उन्हीं में से एक है आपके एक्शन रिसर्च। इससे अलग आपकी एक टीचर डायरी भी बनती है, पोर्टफोलियो बनती है, दो आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लेसन प्लान्स भी बनते हैं, 15-15 आपके जैसे फर्स्ट ईयर में बनते हैं वैसे ही सेकंड ईयर में भी बनते हैं टीचिंग के टाइम पर। ठीक है, तो इस तरह से आपका बहुत सारा मटेरियल जो है फाइल वर्क मोस्टली आपका टीचिंग के टाइम पर बनता है। ठीक है, असाइनमेंट से अगर अलग की बात करें तो सारा का सारा मटेरियल ही आपका टीचिंग के टाइम पर बनता है, ईपीसी की फाइल आपकी अलग से होती है। तो इन्हीं सभी मटेरियल के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन सा बनता है, कैसे बनता है, ये तो एक अलग वीडियो में हम डिस्कस कर ही लेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्शन रिसर्च की जो फाइल बनती है उसमें क्या लिखना होता है, ये फाइल है क्या, इसमें मेनली क्या करना है और कैसे करना है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो बीएड सेकंड ईयर वालों के लिए आज बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, एक्शन रिसर्च की जो आपको फाइल मिलेगी, एक कॉपी मिलेगी, बहुत ही पतली मिलेगी आपको, उसमें 5-10 पेज आपको कुल ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको एक्शन रिसर्च के बारे में टोटल लिखा हुआ मिलेगा कि एक्शन रिसर्च होता क्या है, वो आप एक बार पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको करना क्या होता है वो आपकी पूरी की पूरी डिटेल लिखी होती है, आप पढ़ लेंगे तो बेहतर रहेगा, 2 पेज का आपका इसमें लिखा होता है पूरी डिटेल से। ठीक है, इसके बाद आता है मेन काम की बात करते हैं, तो यहाँ से आपकी क्रियात्मक अनुसंधान, इसको हिंदी में कहते हैं एक्शन रिसर्च को। ठीक है, इसका काम आपका स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का जो आपका पेपर है उसमें आपके एक्शन रिसर्च के नाम से आपका टॉपिक होता है। ठीक है, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि एक्शन रिसर्च क्या होती है, बस यहाँ पर हमें वही करना है काम। जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं 4 महीने की, तो वहाँ पर स्कूल में टीचिंग के टाइम पर आपको कोई एक प्रॉब्लम लेनी होती है। ठीक है, कोई भी एक प्रॉब्लम जो स्कूल में आपको पढ़ाते टाइम आई है, जैसे कि बच्चे घर का कार्य कर नहीं लाते हैं, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, या बच्चे डेली ही लेट आ रहे हैं, मोस्टली लेट आते हैं, या बच्चों को मिड डे मील अच्छे से नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये सभी जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको टीचिंग के टाइम पे आ रही है, आप उनमें से एक टॉपिक को सिलेक्ट कर लीजिए और उस टॉपिक के बारे में आपको एक्शन रिसर्च बनानी है। आपके सामने ये है, एग्जाम्पल के लिए हम लेकर आए हैं एक्शन रिसर्च, जिसमें सबसे पहले आपका आता है योजना का शीर्षक, यानी कि जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका टाइटल क्या है। तो इसमें टाइटल हो गया कि छात्रों द्वारा गृह कार्य पूर्ण करके ना लाना, यानी कि ये प्रॉब्लम थी उस स्कूल में कि मोस्टली जो बच्चे होते थे वो अपना घर का कार्य करके नहीं लाते थे। ठीक है, तो एक समस्या हुई तो इस पर एक्शन रिसर्च का कार्य किया गया। अब नेक्स्ट आपका आता है इसमें योजना के कार्यान्वयन हेतु चयनित विद्यालय वे कक्षा, यानी आपने कौन सा विद्यालय, कौन सा स्कूल चुना है और कौन सी उसमें क्लास चुनी है जिसके लिए आप ये एक्शन रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो आप बात कर रहे हैं कि छात्र घर का कार्य करके नहीं लाते हैं गृह कार्य, तो आप किस स्कूल के और किस क्लास के बच्चों की बात कर रहे हैं। तो ऑफिशियली सी बात है, जहां पर आप टीचिंग कर रहे हैं 4 महीने की, वो तो स्कूल आपका आएगा। ठीक है, और साथ ही जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं उस क्लास का आप नाम लिख देंगे, तो यहाँ पर आपका स्कूल का नाम आ जाएगा, क्लास का नाम आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएंगे उस क्लास में आपके कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने छात्र संख्या हैं या कितने छात्राएं हैं, मतलब कितने गर्ल्स स्टूडेंट हैं और कितने बॉयज स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल्स आ जाएगी। इसके बाद आता है अनुसंधानकर्ता, यानी कि जो रिसर्चर है वो कौन है जो रिसर्च कर रहा है। तो सामाजिक विषय की प्रशिक्षु अध्यापिका, प्रशिक्षु अध्यापक यानी कि ट्रेनिंग टीचर, जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं बीएड के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर अनुसंधानकर्ता कौन हो गया, सामाजिक विषय का आपका जो भी सब्जेक्ट है उस विषय की प्रशिक्षु अध्यापिका। इसके बाद आप अपना नाम लिख लेंगे और अपनी एबिलिटी लिख लेंगे, आपने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है एक तरह से वो लिख लेंगे, जैसे आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है ग्रेजुएशन लिख लेंगे, उसके बाद आप बीएड में कर रहे हैं तो अध्ययनरत आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट योजना की पृष्ठभूमि। ठीक है, तो योजना की पृष्ठभूमि क्या होता है कि शिक्षक ने अपने शिक्षण के दौरान अनुभव किया कि छात्र गृह कार्य पूरा करके नहीं लाते हैं, तो ये आपकी पृष्ठभूमि हो गई। ठीक है, इसके बाद आपका चलता है मेन, आता है योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान का उद्देश्य, यानी कि आप ये अनुसंधान, ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, इसका आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मोटो क्या है,
तो आप इसमें 4-5 पॉइंट्स होते हैं वो आप लिख दीजिए कि आप क्यों करना चाह रहे हैं। जैसे इन्होंने लिखा है कि जिनकी भी ये फाइल है, इन्होंने लिखा है कि छात्रों में गृह कार्यों को पूर्ण करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करना, यानी कि हम चाहते हैं कि बच्चे होमवर्क करके लाए, उनमें ये नेचर उत्पन्न किया जाए। ठीक है, छात्रों को गृह कार्य के महत्व से अवगत कराना, यानी कि बच्चों को होमवर्क का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो बताना। यही सब तो ऑब्जेक्टिव्स होता है। वो बच्चे गृह कार्य करके नहीं ला रहे हैं, उसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब हमारा इसका उद्देश्य क्यों है? इसका उद्देश्य ये है कि भाई बच्चे गृह कार्य में इंटरेस्ट ले, होमवर्क में इंटरेस्ट ले। ठीक है, उन्हें होमवर्क का जो है इम्पोर्टेंस पता चले। यह स्पष्ट करना कि सामाजिक के गृह कार्यों को पूर्ण करने की प्रवृत्ति उनके ज्ञान को स्थायी बनाती है। छात्रों के परीक्षा परिणाम को सुधारण करना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके, जो भी आपने योजना लिया है, जो टॉपिक्स लिया है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय के लिए योजना का महत्व, यानी कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस, स्कूल के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। स्कूल के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है ना, स्कूल को भी तो कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा है। जैसे कि गृह कार्य पूर्ण करना छात्रों के लिए व्यक्तिगत तौर पर पाठ को समझाने में सहायता प्रदान करना है। ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी, आप पाठ को अच्छे से पढ़ा पाएंगे अगर बच्चे होमवर्क करके लाएंगे। इससे विद्यालय के परीक्षा फल भी प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो स्कूल का रिजल्ट होगा वही तो अच्छा होगा, तो स्कूल पर भी फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट है समस्या का क्षेत्र, यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसका क्षेत्र क्या है। आप किस क्षेत्र का मतलब है, आप ये जो रिसर्च कर रहे हैं वो कहाँ पर कर रहे हैं, किन एरिया में कर रहे हैं, यानी किन बच्चों को आपने इस रिसर्च के अंदर लिया हुआ है। ठीक है, तो विद्यालय में कक्षा 7 के सामाजिक विषय के शिक्षण में मुख्य समस्या है विद्यार्थियों का गृह कार्य पूरा करके ना लाना। तो ये क्षेत्र हो गया समस्या का, जो आपकी प्रॉब्लम है कि जो कक्षा 7 के बच्चे हैं, कक्षा 7 के बच्चे इसमें इंक्लूड हैं इस रिसर्च में, और वो उनकी जो प्रॉब्लम है ये है कि वो गृह कार्य करके नहीं लाते हैं। ठीक है, समस्या का विशिष्ट रूप क्या है। छात्रों में गृह कार्य पूर्ण न करने की समस्या बढ़ती जा रही है, छात्र पिछड़ते जा रहे हैं, तो आप इसके बारे में लिख देंगे कि क्या समस्या आ रही है। इसके बाद आते हैं समस्या के लिए साक्ष्यों और साक्ष्यों के आधार। साक्ष्य ये है कि भाई जो प्रॉब्लम आ रही है उसके आपके पास प्रूफ क्या है कि ये प्रॉब्लम है बच्चों की। अब ऐसा भी तो हो सकता है आपने टॉपिक ले लिया और वो प्रॉब्लम हो ही ना ऐसी कोई, तो उसके प्रूफ क्या है, आपको क्यों लग रहा है कि ऐसी एक समस्या है। तो ये है कि उत्तर पुस्तिका घर पर रह गई है, बच्चे ऐसे बहाना बनाते हैं। ठीक है, कि उत्तर पुस्तिका घर पर रह गई है, आपको लग रहा है कि ये बहाना बना रहे हैं। छात्रों के गृह कार्य कॉपी जांचने पर निरीक्षण के द्वारा आपको पता चल रहा है कि वो घर के कार्य नहीं करके ला रहे हैं। ठीक है, विषय का अरुचिकर लगना। अब जब बच्चे गृह कार्य नहीं करके लाएंगे तो ऑब्वियसली से बात है उनको टॉपिक समझ में नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। विषय सामग्री उपलब्ध ना होना और पुस्तक के विषय में पूछने पर। ठीक है, ये आप इसके रीजंस लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें आराम से, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आता है समस्या के कारणों का विश्लेषण, आप इसको एनालाइजिस कर लेंगे। समस्या के कारणों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि केवल कुछ छात्र नहीं बल्कि कक्षा के अधिकांश छात्र इस समस्या अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। यानी ऐसा नहीं कि एक दो ही स्टूडेंट ऐसे हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं तो कहीं ना कहीं स्कूल में ही कोई प्रॉब्लम है। अगर एक दो बच्चे ऐसा करके ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। और अगर सारे करके ले कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीचिंग में, मेथड में, एनवायरमेंट में, स्कूल में कहीं ना कहीं और ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कारण लिख देंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं ऐसा करने के, कि भाई बच्चों को सामाजिक विषय के प्रकरण को अच्छे से समझा नहीं पा रहे स्कूल में। अब क्लास में अगर टॉपिक अच्छे से समझाया नहीं गया तो बच्चे घर से क्या करके लेकर आएंगे। ठीक है, या फिर बच्चों के पास पुस्तक ही नहीं है। तो इस तरह से आपको जो रीज़न लग रहे हैं आप वो रीज़न लिख सकते हैं। ठीक है, या जो आपको वहाँ से पता चल रहे हैं रिसर्च करने पर। इसके बाद विशेष टिप्पणी, आप अपनी टिप्पणी लिख देंगे इसके बारे में, आपका क्या ख्याल है। और फिर इसके बाद क्रियात्मक उपकल्पना का निर्माण करेंगे, यानी कि आप रिसर्च में अपनी हाइपोथेसिस को बनाएंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है। या आप वो हाइपोथेसिस करेंगे कि इसका सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, क्या करें कि बच्चा गृह कार्यों को पूरा करके लेकर आए। तो यहाँ पर आप हाइपोथेसिस लगाएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी एक्शन रिसर्च की जो है आपकी टेबल है पूरे, क्रियाएं जो करनी है, विधि का समय, अपेक्षित साधन, कुछ दिन के बाद ये स्पष्ट क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिल जाएगी आराम से। यहां से भी आप स्क्रीनशॉट अपना ले सकते हैं। और लास्ट में आ जाएगा आपका इवैल्यूएशन, इसमें आपको 4-5 पॉइंट लिखने हैं, जिस तरह से इन्होंने लिखे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप भी अपने टॉपिक्स के हिसाब से लिख सकते हैं। और लास्ट में अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी आ जाएगी आपकी।
कंक्लूजन आपका आ जाएगा। तो ये तो थी आपकी एक्शन रिसर्च की फाइल, जो आपके सेकेंड ईयर में जो आपकी टीचिंग ट्रेनिंग होती है 4 महीने की, उसके दौरान बनाई जाती है। और भी बहुत सारी फाइल्स बनाई जाती है, पोर्टफोलियो की बनाई जाएगी, टीचर्स डायरी बनाई जाएगी, 2 आपके लेसन प्लान बनेंगे जो आप वहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो उनके बारे में आप समय समय पर डिस्कस करते रहेंगे और टाइम टू टाइम आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड होती रहेंगी। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप सभी वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ अच्छे से और कोई वीडियो आप मिस ना करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने फीडबैक्स आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए।